पीसी भी है, बताइए। मेरे को पीसी बिल्ड करवाना था वीडियो एडिटिंग के लिए। पीसी बिल्ड करवाना है वीडियो एडिटिंग के लिए, और क्या करेंगे उस पर? वीडियो एडिटिंग करेंगे, बस वीडियो एडिटिंग ही करेंगे, मतलब सिनेमैटिक एडिटिंग करनी है। तो कुछ आपके पास स्पेक्स है कि मैं बताऊँ? नहीं, मेरे पास एक स्पेक है, मैंने गूगल किया था। आपके पास एसयूस का B760M प्राइम मदरबोर्ड, हाँ। B760M A WiFi, हाँ। मिल जाएगा ये वाला, ऊपर आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा इसके साथ। मैं सोच रहा था इसके साथ या तो i7 रख लिया जाए 4th इंजन का, या फिर i5 रखा। ये i7 मिल जाएगा, ये एक लो का असेंबल होने वाला है। ये एक मिल जाएगा आपको 12700F i7 में, ठीक है। इसके साथ में आपको 14 जनरेशन में मिल जाएगा। कितने बजट तक में चाहते हैं? मैं 1 लाख तक चाहता हूँ। 1 लाख तक, तो उस बजट में i7 14 जनरेशन में मिल जाएगा, i5 14 जनरेशन में मिल जाएगा। तो अगर i7 14 जनरेशन लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग बोर्ड और ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा, ठीक। अगर आप i5 14 जनरेशन लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी आपको मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। तो आप उसमें आपको इंक्लूड मॉनिटर भी है कि नहीं है उसमें? मॉनिटर उस 1 लाख में मॉनिटर है? नहीं, उस 1 लाख में मॉनिटर तो मैंने सोचा नहीं था। मॉनिटर नहीं सोचा है तो फिर बेस्ट है आप जैसा कहें, या फिर मैं अपना एक स्पेक्स बताऊँ, या फिर आप मुझे बता दीजिए। मैं जो अभी तक देखा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, फिर जो बेटर पड़ेगा मेरे लिए वो आप बताइएगा। मैंने सोच रहा था कि 32 GB रैम रहे, 32 GB रैम, DDR5, हाँ, 5200 मेगाहर्ट्ज। कॉर्सियर में चलेगा या XPG में चलेगा? सबसे पहले वो प्रोसेसर बताइए, आपको प्रोसेसर कौन है? मैं ये कह रहा था, ये देखिए 12 जन है, ये 12 जन है। मैं अगर i5 का 14 जन रखूँ तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा इससे, क्योंकि जनरेशन i5 का ये ले लीजिए आप 14 जनरेशन प्रोसेसर। इसके साथ मदरबोर्ड कौन सा बताया? B760M A WiFi, ASUS का, अच्छा। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाता है, प्लस वाईफाई के साथ है। हाईवी बोर्ड है, कैलकुलेट में आपको अपग्रेड करना है तो इसमें आप कोई भी प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके साथ में SSD रखूंगा। ये SSD में कौन सा चलेगा? SSD में आपको 7400 Mbps वाला 1 TB। XPG में या क्रूसियल में? XPG में कौन सा? S70 ब्लैक 1TB में ये आपका हो जाएगा। ये आपका रैम हो गया 5200 मेगाहर्ट्ज। 30 GB एक स्लॉट लेंगे या 16 का दो लेंगे? नहीं, 32 का एक लूँगा। पावर सप्लाई कौन सा है? पावर सप्लाई कॉर्सेयर चाहिए। डीपकूल भी चलेगा या कूलर मास्टर या MSI? नॉर्मल मेरे पास सब ब्रांड है, आप गीगाबाइट भी चाहते हैं, कॉर्सेयर भी चाहते हैं, डीपकूल भी चाहते हैं, कूलर मास्टर भी या MSI भी। आप जो ये स्पेक्स बनाए हैं, ये स्पेक्स आप खुद से बनाए हैं या कोई किसी दुकानदार के? वीडियो देखिए, उसने सेम स्पेक्स लगाए थे, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं, क्योंकि आप जो अभी तक मांग रहे हैं सबसे लेटेस्ट ही मांग रहे हैं, ठीक है। B सीरीज का आपका मदरबोर्ड हो गया, इसमें और सस्ते में ही मदरबोर्ड आता है, जैसे ASUS में ये B760M A WiFi ये साथ जाएंगे। इसमें ये इसका B सीरीज का बेसिक मदरबोर्ड है ASUS का, इसमें आपको 2 रैम स्लॉट मिलेंगे, इसमें आपको 4 मिलेंगे, ठीक है। उससे हैवी मदरबोर्ड है, ये अपग्रेडेड है, इसमें आप कोई भी प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं। i9 लगा सकते हैं 14 जनरेशन, i7 14 जनरेशन, i5 14 जनरेशन, फ्यूचर में हैवी बोर्ड चेंज ना करना, ये हैवी बोर्ड है, ठीक है। इसके साथ में ये आपको कॉर्सियर का 650 वाट की पावर सप्लाई है, और क्या बोल रहे थे? ग्राफिक कार्ड भी लगेगा ना? ग्राफिक कार्ड कौन सा चाहिए? गीगाबाइट में 4060 चाहिए, 3050 चाहिए, 4070 चाहिए? 4060 में 355 में 8 GB ले लीजिए गीगाबाइट। ये आपका एक हार्ड डिस्क 2 TB सीगेट में चलेगा, हाँ। कैबिनेट बताइए पहले। कैबिनेट RGB सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई या फिर क्या कहते हैं लिक्विड कूलिंग वाला नहीं। स्टॉक कूलर नहीं लगवा रहे हैं इसमें, लिक्विड कूलर या स्टॉक कूलर? अब बताइए कौन सा बेटर पड़ेगा फिर इसको कूल करने के लिए, जिसमें कि इसको प्रॉब्लम ना हो, लैग ना करे। देखिए, आपको एडिटिंग करना है, गेमिंग नहीं करना है, यानी आप ओवर क्लॉक नहीं करेंगे। अगर आप गेमिंग करते हैं, ओवर क्लॉक करते हैं, तो फिर आपका प्रोसेसर हीट होता है, ठीक है। इसमें आपको लिक्विड कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिक्विड कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लिक्विड कूलर लगाना चाहिए तो आप आगे चल के लगा लीजिएगा। बेसिक आपका जो लिक्विड कूलर का पैसा बच रहा है उसमें और कुछ ऐड कर लीजिए, जैसे आप जो ये 4060 ग्राफिक लगा रहा है, अगर आप सोच रहे थे 3060 लगाओ तो पैसा आप इसमें लगा के 4060 करा लिया, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें आप लिक्विड स्टॉक कूलर लगा लीजिए। राम बाबू स्टॉक कूलर देना बाबू, या कूलर मास्टर का हाइपर कूलर मास्टर भी दे सकते हो, जो चूज करें। अगर ये लेना चाहते हैं ये भी हो जाएगा, ये लेना चाहते हैं ये भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप कूलर मास्टर लीजिए, कूलर मास्टर अच्छा। तो हमें लगता है कि आपका पूरा कंपोनेंट हो गया, बस एक चीज़ बच रहा है मॉनिटर। मॉनिटर आपको कौन सा चाहिए? 24 इंच में चाहिए या फिर 32 में? चाह रहा था 75 हर्ट्ज तक रहे। 24 में 100 रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर चाहिए। ये सर चलेगा, MSI चलेगा, गीगा चलेगा, कौन सा? अब आप बताइए इसमें कौन सा बेस्ट पड़ेगा डिस्प्ले के हिसाब से। ये सर ले सकते हैं, ये सर 3 साल वारंटी के साथ ऑन साइड वारंटी है। 100 रिफ्रेश रेट पर मिलेगा, आप 75 ढूंढ रहे हैं वो 100 पे रहेगा। IPS पैनल कॉल के साथ है, ठीक है। 24 इंच बॉर्डरलेस मॉनिटर है बाबू, एक तो ऊपर से 24 इंच का मॉनिटर ला। और ये कैबिनेट में कैसा चाहिए? कैबिनेट में सिंपल ही प्रेफर करूँगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई कैबिनेट दो। पहले ये आपको एंटी स्पोर्ट का मिल जाएगा, एक एंटी स्पोर्ट में ये कैबिनेट मिल जाएगा जो आप देख रहे हैं। 3 फैन आ गया है, 1 फैन पीछे है, ठीक है। अच्छा कैबिनेट है, कम पैसे में। हाँ, बहुत शानदार कैबिनेट है, ठीक है। आप जो पैसा कैबिनेट में और इसमें बचा रहा है वो आप सामान ऐड करवा रहा है, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। अगर आप लिक्विड कूलर लगाते तो आपका 7,000 रुपया लग जाता है या 6,000 रुपया लिक्विड कूलर में, जबकि आपको जरूरत नहीं थी उसकी। अगर जरूरत होती तो फिर आप लगवाते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो आप खुद सजेस्ट करते हैं। इसके साथ में एक हमारे भाई साहब उधर बैठे हैं, आइए बड़े भाई, इनका जो सिस्टम बता रहा है ये i7 का 14 सर, ये इनका है। आपको क्या क्या चाहिए था बड़े भाई? भाई पिछले कितने दिन से भाई कर रहे थे आप? 15 दिन से i7 लेने के लिए सोच रहे थे, बेसिक आज ले लिए। और फिर आप इनके साथ साथ आपका भी i5 14 जनरेशन हो रहा है। इनका जो आपका कौन सा प्रोसेसर है बड़े भाई? i7 12 जनरेशन, i7 का 12700F है। इसमें गीगाबाइट का हम लोग मदरबोर्ड डालना है। और XPG का हम लोग बात किए थे SSD के लिए, साथ में XPG का। आपके में भी SSD XPG का ही लगा रहा है, मतलब दोनों लोग में हम SSD जो यूज कर रहा है XPG का ही कर रहा है। 4 जन के आपके में S70 लग रहा है, उनके में S60 लग रहा है, ठीक है। उनके में जो ग्राफिक है बेसिक आपका कौन सा 1650, उनके में ग्राफिक एक्चुअली उनका जो बजट है वो 60,000 तक ही है। 60,000 में इनको i7 चाहिए, ठीक है। और आपका बजट 1,10,000 है, आपको 1,10,000 में दिया जा रहा है। इनका बजट 60,000 में। हम लोग गीगाबाइट का मदरबोर्ड वो भी 20 सीरीज का ही दे रहा है, DDR5, ठीक है। इसके साथ में जो रैम दे रहा है 16 GB रैम दे रहा है। और डीपकूल का 650 वाट की पावर सप्लाई, साथ में मॉनिटर है कि नहीं उसमें? नहीं, मॉनिटर नहीं, मॉनिटर नहीं है आपका। ये कोटेशन हम बना के दिए थे, टोटल 62,600 रुपये। हम बाद में अपना ही चेंज करवाए थे। इनका जो सामान था ये i7 12700 और साथ में गीगाबाइट का ये मदरबोर्ड, 16 GB रैम, ये स्टोरेज हो जाएगा, 650 वाट की पावर सप्लाई, 1650 ग्राफिक, प्लस 4 फैन, RGB कैबिनेट जी। तो आपका भी हम पूरा सिस्टम रख दिए हैं। और ये हमारे साथ सब्सक्राइबर भाई हैं, इनको हमारे तरफ से कुछ गिफ्ट भी दिया जाएगा। आप किस पे फॉलो करते हैं? इंस्टा, यूट्यूब दोनों पे। इंस्टा और यूट्यूब दोनों के लिए गिफ्ट लेंगे कि एक ही के लिए लेंगे, ये बताइए? किसके लिए लेंगे, इंस्टा के लिए लेंगे कि यूट्यूब के लिए लेंगे? हम तो दोनों के लिए लेंगे ना। दोनों के लिए। आप क्या चाहते हैं दोनों के लिए, ये बताइए? आप क्या क्या आप गिफ्ट में आप क्या चाहते हैं? अब ये मत कहिए कि भैया मुझे लिक्विड कूलर लगा दीजिए, फिर स्टॉक कूलर लगा दीजिएगा। ऐसा कहिए कि भाई मुझे भी अच्छा लगे, जो आप दे दें। देखिए इनको मेरे तरफ से एक माउस पैड दिया जाएगा इंस्टा के लिए। और यूट्यूब के लिए क्या चाहते हैं आप? जो दे दें, एक RGB कीबोर्ड माउस दे दिया जाएगा, ठीक है। मेरे तरफ से उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके साथ में आप क्या चाहते हैं भैया, ये बताइए? इनको भी मेरे तरफ से यूट्यूब के लिए, इनको अभी इंस्टा के लिए नहीं दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम इंस्टा के लिए दिया जाता है, नेक्स्ट टाइम इंस्टा के लिए दिया जाएगा। लेकिन चलिए कर रहे हैं तो इनको माउस पैड बड़ा वाला इंस्टा के लिए, और साथ में इनको एंटी स्पोर्ट का RGB कीबोर्ड माउस दिया जा रहा है। बाकी चलिए अब इन लोगों का हम PC असेंबल करके आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। तो फाइनली हमारे भैया का सिस्टम जो कि बिल्ड हो चुका है, आप देख रहे हैं i5 14 जनरेशन, इसमें 4060 ग्राफिक के साथ 1TB SSD और ASUS का B सीरीज का बोर्ड लगा है। और इनका भी जो पीसी है वो तैयार हो चुका है। इनके में आपके में i7 का 12 जनरेशन है, इसके साथ में इनके में भी 1TB SSD और गीगाबाइट का B70, इनके में गीगाबाइट का B760 गीगाबाइट का मदरबोर्ड लगा है। तो चलिए भैया से कुछ हम पहले बात करते हैं, उसके बाद इनसे बात करेंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा भैया डिवाइन का, ये सबसे पहले बताइए। अगर मेरे को रेट करना होगा आउट ऑफ 10 तो मैं 9.5 जरूर दूंगा। वो 0.5 इसलिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। टाइम लगा है इनके में। अच्छा था भैया, लगता है कितने बजे से आप आए हैं? हाँ, कितने बजे आप आए हैं? 4 बजे के आसपास, ये लगभग 3:30 या 4 बजे के आसपास आए हैं। और अभी का जो टाइम हो रहा है वो 10 बज रहा है, मतलब पिछले 5 घंटे में इनका सिस्टम असेंबल हुआ है। इसके साथ भैया भी हमें लगता है कि 5 बजे आया है और साथ में ही जा रहा है 5 बजे। तो इनका जो पीसी, अभी तो इनका कोटेशन था, इनका पीसी फाइनल नहीं हुआ था लेकिन भैया का पीसी फाइनल हुआ था। भैया का सामान दिखाएं, उसके साथ भैया बोले कि ठीक है भैया मेरा पीसी आप बिल्ड कर दिए। तो इनका पीसी मैं तैयार किया, इसके साथ इनमें ज़्यादा टाइम मुझे दिखाने में लग गया। इनका जो कोटेशन था, इनका सामान था, उसको दिखाने में समझाने में लगभग मुझे 1-2 घंटा लग गया। और भैया का तो ऑलरेडी पहले से फिक्स था कि मुझे यही लेना है। तो चलिए इसके बाद भैया से हम कुछ बात कर। आपको रेट उठ कैसा मिला भैया? रेट ठीक है, अच्छा ठीक, मतलब कैसा ठीक, मतलब हमने कहीं और भी देखा था उस हिसाब से रेट ठीक है। रेट भाई इनको रेट अच्छा लगा है। मैं रेट ऐसा देता भी हूँ कि जो आपको भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो देने में। इसके साथ मैं बोला था भाई आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, तो इनको ये एंटी स्पोर्ट का RGB कीबोर्ड माउस दिया जाता है, इसके साथ में ये माउस पैड दिया जाता है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और भैया को भी दिया जा रहा है, इनको तो नहीं देना चाहिए मुझे, क्योंकि ये हमारे इंस्टा के फॉलोअर नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये इनको भी दिया जा रहा है ये RGB कीबोर्ड माउस, इसकी वारंटी भी 1 साल की है, इनकी भी वारंटी 1 साल। माउस पैड की कोई वारंटी नहीं होती है, बाकी यहाँ हर चीज़ की वारंटी है, ठीक है, 1 साल इसकी भी है। और साथ में माउस पैड दिया जा रहा है। तो बाकी अगले कुछ वीडियो में हम लोग नए PC बिल्ड के साथ